जितनी वीडियो ना भेज दो। सुबह करीब 5-5:30 बजे जानकारी मिली कि जो अतौदा टोल है उससे कुछ 2-2.5 किलोमीटर आगे खरकौदा की तरफ एक ट्रक है, ट्रेलर होता है, उसने करीब 18 लोगों को दबा दिया था। यहाँ पे कुछ लेबर रात को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सो रहे थे। इसमें अभी जो प्रारंभिक जांच में यह मालूम पड़ता है कि 3 लोग मौके पर एक्सपायर हो गए हैं और जो 12 लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहाँ पे 10 लोगों को PGI रेफ़र किया गया है और 4 का GH बाजोड में इलाज चल रहा है। ये लोग कौन थे सर, यहाँ क्या करते हैं? ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, यहाँ पे जो ब्रिज को जोड़ने के लिए जो जॉइंट का वर्क चलता है उसके लिए ये लोगों को काम दिया गया था। घायलों की पहचान हुई सर, मृतकों की? इसमें अभी नाम स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन ये जानकारी है कि यूपी के रहने वाले थे, 2 अलग अलग जिलों के दफ्तर में मिला के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। ट्रक चालक का पता चला सर? ट्रक चालक का अभी जानकारी निकाली है, जो ट्रक पे नंबर लिखा हुआ उसके ओनर से बात की गई है और इससे ये जानकारी मिली कि 2 इसमें ड्राइवर थे, 1 हेल्पर था, उनके नाम भी आ गए हैं और उनको जल्दी पकड़ने के प्रयास जारी किए जा रहे हैं। हादसे की वजह क्या रही होगी? हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने बैरिकेडिंग प्रॉपर कर रखी थी और रिफ्लेक्टर भी लगा रखा था ताकि जो भी चालक है उसको जानकारी मिल जाए इस बारे में। बट ये हो सकता है कि या तो शराब पी रहे हो या नशे में हो या किसी कारण नींद में ही हो सकता है। व्यक्ति मृतक और जो घायल कर्मचारी है वो सो रहे थे सर या काम कर रहे थे? एक मौके के गवाह से अभी तक बात हुई है तो वो तो ये जानकारी देता था कि सो रहे थे और अभी कुछ लोग उठे ही थे, अपने हाथ मुंह धो रहे थे, तो मौके पे एकदम से मतलब वारदात हो गई। रजनीश कैसे, क्या हुआ? भाई साहब हम सभी लोग सो रहे थे वहाँ पर, हाँ, तो ट्रक वाला आया, वाटर टैंकर भी खड़ा था और DG भी खड़ी थी, तो वो सीधा ट्रक ले करके आया, पहले वाटर टैंकर में दिया फिर DG में सीधा ले जा करके हमारे बंदे जो पड़े थे उधर से ले जा करके सीधा उनके ऊपर से चढ़ा करके और टकरा गया उसमें, बस सभी 3-4 लोग ख़त्म हो गए।